स्लीप डिसऑर्डर के बारे में आज जानकारी लेते हैं, नींद की प्रॉब्लम। तो DSM-5 के मुताबिक स्लीप डिसऑर्डर के कुछ क्राइटेरिया है कि किसको बोलते हैं कि भाई इसको नींद की बीमारी है। तो उसमें एक तो नींद नहीं लगना, जब बेड पे लेटते तो नींद नहीं लगना जल्दी, या फिर नींद लगी है तो बीच बीच में उठना, या फिर बीच में उठने के बाद में फिर से नींद नहीं आना, या फिर सुबह जल्दी जागा जाना। तो ये नींद की बीमारी है, और इसके साथ साथ फिर काफी सारा सोशल डिस्ट्रेस है सोसाइटी में, समाज में, काम करने में, घूमने फिरने में इसको जो तकलीफ हो रही है, घर में प्रॉब्लम है, आपसी संबंध में बिगाड़ आ रहा है, चिड़चिड़ापन है, काम पे नहीं जा सकता क्योंकि नींद ठीक नहीं है, काम पे बराबर उत्पादन क्षमता नहीं है। तो नींद के प्रभाव बाकी क्षेत्र में होना चाहिए, और हफ्ते में 3 बार 3 नाइट्स यदि नींद नहीं आती है प्रॉब्लम है, और ऐसा पिछले 3 महीने से है, तो फिर ऐसा समझा जाता है कि उसको स्लीप डिसऑर्डर है। इसमें बाकी कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए, जैसा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, या मानसिक कोई बीमारी है जिसके वजह से नींद नहीं आती, या शारीरिक बीमारी है जिसके वजह से नींद नहीं आ रही, तो बाकी सब नॉर्मल है, बाकी सब रिपोर्ट नॉर्मल है, शारीरिक बीमारी नहीं है, मानसिक बीमारी कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम है नींद नहीं आती, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी इंसोमनिया या प्राइमरी स्लीप डिसऑर्डर। अब इसमें हम मेडिसिन देने के लिए टालते हैं, क्योंकि मेडिसिन देते हैं यदि तो मेडिसिन की आदत लग सकती, तो हम सेल्फ हिप्नोसिस सिखाते हैं उसको, सेल्फ हिप्नोसिस रिलैक्सेशन थेरेपी, और फिर उसके साथ साथ कुछ स्लीप हाइजीन बताते हैं, स्लीप हाइजीन क्या करना या क्या क्या नहीं करना। तो क्या क्या करना जरूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले एक तो ऐसा है क्या करना, इसमें फिक्स टाइम सोने का और फिक्स टाइम उठने का वो तय होना चाहिए, नींद आओ चाहे ना आओ बेड पे जाना ही है, फिक्स टाइम जाना है, फिक्स टाइम उठना है। यदि भूख लगी हुई है तो थोड़ा सा हल्का सा खा के फिर जाना है बेड के ऊपर, भूखे है और फिर सोने के लिए जाना ऐसा नहीं करना है। आपने रेगुलर एक्सरसाइज करना है, 1 घंटा पहले बहुत ज़्यादा टेंशन वाला काम, टेंशन वाली बातचीत, या कोई ऐसे हॉरर मूवी या हॉरर टीवी सीरियल ऐसा कुछ देखने का नहीं, 1 घंटा पहले अपना सब समप करना, चालू करना है सोना है तो। यदि आपको सोने के समय बहुत चिंता है, टेंशन है, तो सोने के पहले पूरा लिखो, और कल सवेरे या कल दिन भर में उसको कैसा टैकल करना है या क्या एक्शन लेने के लिए वो लिखो। अपना बेडरूम जो है वो कूल रखो, डार्क रखो, मतलब वहाँ लाइट नहीं होना चाहिए, और शांत रखो। आपको यदि ऐसा लगता है कि भाई एक स्नान करने से अच्छी नींद लगती है, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि स्नान करने से नींद लगती है, तो स्नान करके आप सोने को जा सकते हो, या फिर ठंडा कूल दूध लेते हैं तो उससे भी कुछ लोगों को नींद आती है। कुछ लोग सेक्स करके सोते हैं और उनको नींद आती रहती है, और उनको सेक्स मतलब एक स्लीपिंग पिल जैसे उसका इस्तेमाल करते रहते। अब क्या नहीं करना वो उनको देखना है। एक तो क्या है कि दोपहर में सोने का नहीं, थोड़ी भी नींद दोपहर को लेने की नहीं, जब नींद नहीं आई तो बार 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 घड़ी देखने का नहीं, जस्ट स्नान कर जस्ट सोने के पहले एक्सरसाइज नहीं करनी, व्यायाम नहीं करना है। फिर टीवी देख के बेड पर जाने का नहीं है, बहुत ज्यादा खाना खा के बेड पर जाना नहीं है, कॉफी सिगरेट तंबाकू इसका सेवन नहीं करना है 2-3 घंटे पहले, शराब का सेवन नहीं करना है 2-3 घंटे पहले, बेड पर पढ़ते पढ़ते फिर सोने का नहीं है, और समझो बेड पे पढ़ के ही सोने का है तो फिर ऐसी कोई किताब होना कि जो किताब आपको ज्ञान देंगी, नॉलेज, मतलब ऐसी बहुत मनोरंजक कहानियां पढ़ रहे हैं या हॉरर कुछ किताबें पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करने का है। जैसे ऐसी बोरसम किताबें जो है वो पढ़ने की है, ना कोई मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल किताब पढ़नी है। बेड पर ऐसी पढ़ सकते हैं मगर जो मैंने बताया वही किताबें पढ़ना है। फिर बेड पर खाने का नहीं है, बेड पर एक्सरसाइज करने का नहीं है, बेड पर से किसी को फोन कॉल करना नहीं है। तो ये बातें हम करते हैं तो एक आदत इसकी लगानी पड़ेगी तो आपको अच्छी नींद आ सकती है। बेस्ट है सेल्फ हिप्नोसिस रिलैक्सेशन थेरेपी। दूसरा है कि क्या स्ट्रेस टेंशन है अपने आप को, और यह है कि जो भी है वो है, जो भी मेरे जिंदगी में चल रहा है, जो भी टेंशन है, जो भी स्ट्रेस है, उसका मुझे सामना करना है तो मैं करूँगा, ये है, उसको मैं कल कैसा डील करूँगा उसके बारे में लिख रहे हैं, पूरा दिमाग का टेंशन कागज़ के ऊपर ला रहे या किसी के साथ में शेयर कर रहे और कल का कल देखेंगे, ऐसा करके एकदम रिलैक्स होकर बेड पर जाएंगे तो अच्छी नींद आ जाएगी। हमको दवाई टालने का है क्योंकि दवाई की आदत बन जाएगी, लत लग जाएगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।